सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। न्याय मांगने वालों पर भी अब पुलिस महकमा जुल्म करने लगा है। न्याय की गुहार को लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों में शामिल एक युवक को पुलिस कप्तान ने मात्र इसलिए पीट दिया कि वह उनके वाहन के सामने आ गया था। वह वाहन रोककर न्याय की गुहार लगाना चाह रहा था। युवक को पीटने के साथ ही पुलिस कप्तान ने उसे अपने ऑफिस में ही बिठा लिया। ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया है। रौनकपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 10 वर्षीय बच्ची बीते शुक्रवार सुबह घर से कुछ दूरी पर रास्ते में अर्ध नग्न अवस्था में मिली थी। हालत देखकर आशंका जताई गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसे जीएनपुर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब रौनकपुर थाने की पुलिस ने बच्ची को महिला अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर वहां से उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां शनिवार की रात बच्ची की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निमोनिया से मौत सामने आई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म से पुलिस सीधे सीधे इनकार करती रही। इतना ही नहीं, अपने खर्च पर एसओ ने बच्ची का आनन फानन में अंतिम संस्कार भी करा दिया। इस मामले में न्याय की गुहार लगाने बच्ची की मां ग्रामीणों के साथ बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंची। इसी दौरान एसपी ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, दीपक नाम का एक युवक उनकी गाड़ी के सामने आ गया ताकि उन्हें रोककर पत्रक दिया जा सके। वाहन रोके जाने से एसपी भड़क उठे, वाहन से उतरे और युवक को पकड़कर लोगों के सामने ही उसकी पिटाई करने लगे। पुलिस कर्मियों ने युवक को पकड़ा और एसपी ऑफिस में बिठा दिया। एक समस्या के समाधान के लिए आए ग्रामीणों के समक्ष अब दूसरी समस्या दीपक नाम के युवक को पकड़ लिए जाने के कारण खड़ी हो गई। पुलिस की ज्यादती निश्चित तौर पर यह बता रही है कि बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसे छुपाने की कवायद में पूरा महकमा जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज़।